गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं गया काम से। अगर हम इस पर पकड़ गए तो हम गए काम से। अगर टीचर ने टीचिंग करते हुए देख लिया तो हम गए काम से। अगर पापा को इसके बारे में पता चला तो तुम गए काम से। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बढ़िया आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद इज, आम या फिर आर, इसके बाद डॉन, फॉर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और बेसिक क्लियर हो जाए। अगर हम इस बार पकड़े गए तो हम गए काम से। If we get caught this time, we are done for. If we get caught this time, we are done for. अगर पापा को इसके बारे में पता चला तो तुम गए काम से। If dad get to know about it, you are done for. If dad get to know about it, you are done for. अगर टीचर ने चीटिंग करते हुए देख लिया तो तुम गए काम से। If teacher sees you cheating, you are done for. If teacher sees you cheating, you are done for. अगर तुमने ये काम फिर से किया तो तुम गए काम से। If you do this work again, you are done for. If you do this work again, you are done for. अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं गया काम से। If he sees me here, I am done for. If he sees me here, I am done for.